into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot, walking on fantasy. सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल कुणाल के व्लॉग्स। तो इस टाइम मैं हूँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा अपनी स्कूल लाइफ में अंडमान का नाम। तो अंडमान फेमस है यहाँ के ब्यूटीफुल से बीचेस के लिए, यहाँ के ब्यूटीफुल से आइलैंड्स के लिए और यहाँ पर होने वाली वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। तो अगर आप भी अंडमान आने का प्लान कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या फिर अपनी वाइफ के साथ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस पूरी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप अंडमान पहुँच सकते हो, आपको होटल किस लोकेशन पर लेना है, टैक्सी कैसे बुक करना है, फ्लाइट का क्या खर्चा आने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस ओवरऑल पूरी ट्रिप में जो आपका कितना खर्चा होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस है अंडमान में घूमने के लिए, ताकि अगर आप अपना अंडमान ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इजीली जो है आप इस वीडियो को देखकर अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और 100% मैं आपको कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अंडमान पहुँचने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है बाय फ्लाइट। आप इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट से अंडमान के पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट तक की डायरेक्ट और कनेक्टिंग फ्लाइट बुक कर सकते हैं और लगभग 15,000 रुपये पर पर्सन में आपको कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर तक की रिटर्न फ्लाइट मिल जाएगी। और इसके अलावा ये फ्लाइट आपको मुंबई और दिल्ली से लगभग 30,000 रुपये पर पर्सन मिल जाएगी। सो दोस्तों, जैसे ही आप पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट पहुंच जाओगे तो वहां पर जो आपको एक गाड़ी की नीड लगेगी, यानी टैक्सी जो आपको लेना पड़ेगी पूरा अंडमान घूमने के लिए, और बहुत सारी फेरीज आपको बदलना पड़ेगी, यानी क्रूज़ की टिकट भी करना पड़ेगी। तो उसके लिए जो मैंने कॉन्टेक्ट किया था ई ट्रिप्टो कंपनी से, तो ये है कंपनी का कुछ नाम, काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी, आप इनसे पैकेज ले सकते हो। और अभी जो है हमें भैया पिकअप करना है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक। अशोक भैया है तो पूरा अंडमान आप हमको घुमाने वाले हैं? पूरा अंडमान आपको घुमाएंगे, से लेके नील से लेके सब। अच्छा, तो गाइस यहाँ पर जो है घूमने के लिए पोर्ट ब्लेयर है, हैवलॉक है और नील आइलैंड है, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगह, तो वहाँ पर जो है हम घूमने वाले हैं और भैया जो है हमारे को घुमाने वाले हैं पूरा अंडमान। और ये जो पूरा पैकेज है मैंने लिया था 30,000 रुपये पर पर्सन में। अब इस 30,000 रुपये में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से और घुमाता हूँ आपको पूरा अंडमान। और डे वन में ही आपको पोर्ट ब्लेयर सिटी से हैवलॉक आइलैंड के लिए निकल जाना है। और हैवलॉक आइलैंड पहुँचने के लिए आपको फेरी के थ्रू जाना होता है और ये फेरी की टिकट 1,800 रुपये पर पर्सन होती है, जो मात्र 1.5 घंटे में आपको पोर्ट ब्लेयर सिटी से हैवलॉक आइलैंड पहुंचा देगी। और गाइस, फेरी के अंदर मैं आ चुका हूं और अभी जो है मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूं। नीचे ग्राउंड फ्लोर एक और है, बट वहां पर जो है आपको मज़ा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, तो फर्स्ट फ्लोर पर आप आ सकते हैं। ये देखिए, वाओ, तो यहां से जो है नज़ारा आपको बहुत अच्छा दिखने वाला है। तो मेक श्योर जो अपने टूर प्लानर को बोलकर जो है आप ऊपर वाली रॉयल क्लास की टिकट बुक करवा सकते हैं। और गाइस, जिस किसी को भी प्रॉब्लम है वॉमिटिंग की, तो अपने साथ जो है टैबलेट ज़रूर लेकर आइएगा, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और हैवलॉक आइलैंड पहुँचते ही आपको 2 दिन के लिए रूम लेना पड़ेगा। सो गाइस, हैवलॉक आइलैंड में पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर आने के बाद मुझे मिला है एक लग्जरी सा रूम। तो रूम जो है आप देख सकते हो काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो LED TV लगी हुई है और कॉफ़ी वगैरह के जो सेशंस होते हैं वो यहाँ पे है, और बाथरूम भी यहाँ का बहुत नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर जो वॉशरूम बना होना चाहिए होटल में, उस तरीके से पूरा वॉशरूम बना हुआ है। ओ वाओ, और एक और यहाँ पर चीज़ है वो है यहाँ का गैलरी एरिया, सो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सो यहाँ पर जो है आपको बहुत ही प्यारी सी गैलरी मिलने वाली है। ये देखिए, बहुत अच्छे अच्छे पाइन के ट्रीज लगे हुए हैं, पाइन के ये ना, हाँ
पाइन के ट्रीज लगे हुए हैं, तो ये प्रॉपर्टी आप ले सकते हो हैवलॉक आइलैंड में। और अगर इस पूरे पैकेज की बात की जाए तो मैंने लिया है ई ट्रिप्टो कंपनी से, तो कॉन्टेक्ट नंबर जो है मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिया है। अगर आप ये वाला होटल ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको बहुत कॉस्टली जाने वाला है, बट आप बुक कर सकते हो पूरा अंडमान का ट्रिप ई ट्रिप्टो कंपनी के थ्रू। और हैवलॉक आइलैंड पहुंचने के बाद लगभग 12 बजे तक आपको निकल जाना है एलिफेंट बीच के लिए, और इसके लिए स्पीड बोट से आने जाने की टिकट लगभग 1,000 रुपये पर पर्सन है। एंड गाइस, ये है यहाँ का एलिफेंट बीच, जहाँ पूरा दिन आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, एलिफेंट बीच में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर जो है आप बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो असली मजे है वाटर एक्टिविटीज़ के, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर हो रही है। तो वैसे तो जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, जेट स्की है, बनाना राइड है, ऑक्टोपस राइड है, ड्रैगन राइड है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है आप यहाँ पर कर सकते हो पूरा दिन। तो ये अभी आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं, ये है जेट स्की। तो इसके 2 से 3 राउंड आप लगा सकते हो लगभग 600 रुपये में, तो 600 रुपये इसका रेट। और इसके अलावा आपको जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर दिख रही है सभी का चार्जेज 600 से 800 के बीच है। और दोस्तों, अगर यहाँ पर जो पानी के कलर की बात की जाए, यानी वाटर का जो कलर है पूरा आप देख सकते हो ग्रीन कलर का, आपको वाटर यहाँ पर मिलने वाला है। और यहाँ पर जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, लाइक वहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको बनाना राइड, ऑक्टोपस राइड और जेट स्की जो है, सारी एक्टिविटीज़ जो आप यहाँ पर आकर कर सकते हो। तो गाइस, बहुत अच्छा है ये पूरा एलिफेंट बीच, यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो लोगों का मन भर गया है वाटर एक्टिविटीज़ करते करते, या फिर वाटर एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहते या फिर कर ली है, तो उनके लिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। वो देखिए, पहले वहाँ पर आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं, वहाँ पर हो रही है वाटर एक्टिविटीज़, और ब्रिज के जस्ट इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए पूरा जो एरिया बना हुआ है, ये सारा एरिया लोगों के नहाने के लिए, यहाँ पर जो है वाटर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, तो यहाँ पर जो आप एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, पैरासेलिंग करने में आ चुका हूँ और कुछ इस तरीके का आनंद आप यहाँ पे ले सकते हैं पैरासेलिंग करके। और टिकट की अगर यहाँ पे आप बात करें तो लगभग जो 3,500 से 4,000 रुपये आपके लगने वाली है पैरासेलिंग की टिकट। पर जो मैंने पूरा ट्रिप प्लान किया है वो किया है ई ट्रिप्टो कंपनी के थ्रू, और जो ये वाटर एक्टिविटीज़ है जितनी भी, वो भी सारी प्लान की है ई ट्रिप्टो कंपनी के थ्रू। तो जो आप है उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये रहा उनका नंबर, और पैरासेलिंग को इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जो है एलिफेंट बीच पर मैं आया था, और यहाँ पर जो है काफ़ी सारी जो है शॉप्स लाइन से बनी हुई है, इसमें जो है आप फ्रूट्स खा सकते हो। तो अभी जो मैंने पूरी प्लेट ली है आप देख सकते हो, और इसमें स्टार फ्रूट है और पपीता है और बनाना है, बहुत सारी इसमें चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, लगभग 200 रुपये इसका चार्जेस है। तो गाइस, यहाँ पर जो है पूरा दिन आप एलिफेंट बीच पर रहने वाले हो, तो यही सब चीज़ें खा कर जो आपको पूरा दिन निकालना पड़ेगा, और आप चाहो तो अपनी होटल से भी पैक करवा के ला सकते हो। जेट स्की करने अभी मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी आपको जेट स्की दिखेगी। तो लाइफ जैकेट मुझे मिला है, तो अभी इसको पहन लेता हूँ और निकलता हूँ जेट स्की के लिए। Thank you.
और शाम होते होते आपको अपनी इस एलिफेंट ब्रिज की इस ब्यूटीफुल सी जर्नी को स्टॉप कर देना है और सीधा निकल जाना है अपनी होटल के लिए। और डे टू में सुबह जल्दी उठकर आपको होटल में ही अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है, जो आपके इस अंडमान ट्रिप के पैकेज में ही इंक्लूड रहेगा। और ब्रेकफास्ट करके आपको सीधा निकल जाना है हैवलॉक आइलैंड की नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस के लिए, जिसके लिए होटल से ही आपको कार पिकअप कर लेगी और सीधा आपको आ जाना है यहाँ के ब्यूटीफुल से बीच काला पत्थर के लिए, जो आपकी होटल से अराउंड 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ काला पत्थर पर। तो ये है काला पत्थर का बीच और यहाँ का जो वाटर का कलर आप देख के बता सकते हो कि बहुत क्लियर एंड क्रिस्टल है। तो कलर की अगर बात करें तो यहाँ पर वाइट कलर है और ग्रीन कलर है, और अगर आप दूर तक देखोगे तो आपको वहाँ पर ब्लू कलर भी दिखने को मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप देखते हो इस काला पत्थर के बीच को तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगने वाला है। ये देखिए गाइस, मालदीव्स, थाईलैंड, आपने सुना होगा इन कंट्रीज के बारे में, मैं गया भी हूँ काफी बार, तो वहाँ का जो वाटर का कलर है सेम यहाँ पर वो कलर मुझे देखने को मिल रहा है। और गाइस यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अंडमान घूमते हो इस पूरे 5-6 दिन में, तो आपको अपने साथ टॉवेल कैरी करना है और साथ ही में आपको एक्स्ट्रा कपड़े रख लेना है। जब मन पड़े इस समुद्र में कूद जाइए और अच्छे से इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। तो ये देखिए पूरा जो बीच है काला पत्थर का बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी जो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफी सारे लोग आपको दिख रहे हैं, बट इससे भी ज्यादा क्राउड रहता है यहाँ पर अगर आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आते हो तो। तो जल्दी सुबह आइएगा, काला पत्थर का जो है सनराइज बहुत फेमस है। दोस्तों काला पत्थर बीच के जस्ट सामने में बैठा हुआ हूँ और ये रहा बीच, आप देख सकते हैं। और यहीं पर जो है सामने मुझे मिले भैया। तो भैया आपका क्या नाम है पहले बताइए? रवि। रवि नाम है। और भैया ने एक मुझे चीज बताई है, मैं काला पत्थर पे थोड़ा सा वॉक कर रहा था बट भैया ने बताया कि यहाँ पे मेरा लाइव स्केच बना के देंगे। तो ये वाला जो आप स्केच देख सकते हो और ये स्केच बहुत ही मुझे सुंदर लग रहा है, तो भैया ने बनाया इसे और भैया ने मुझसे लिए 500 रुपीज। गाइस पैसा मैटर नहीं करता है, बट अगर आपका स्केच अच्छा बन गया तो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। तो अभी चलते हैं और बनवाते भैया से स्केच। सो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल मेरा स्केच दिखाने वाला हूँ। तो भैया आपने स्केच बना दिया है? बना दिया है बट अभी तक मैंने नहीं देखा है लिटरली, मतलब मैं देख सकता हूँ मेरी आंखों से बट नहीं देख रहा हूँ। जब आप देखोगे तब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो भैया दिखा दीजिए एक बार, कैसा लगा? ओ माय गॉड ये देखिए, जस्ट आप देखोगे मेरा फेस लाइक वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। और बहुत अच्छा स्केच है, तो यहाँ पर आप जरूर आइए इस पूरे काला पत्थर वाले बीच पर और अपना स्केच बनवाइए भैया से। भैया नाम फिर से बता दीजिए आपका। मेरा नाम है रवि आर्ट। रवि आर्ट का नाम से ही जानते हैं। ओके तो नंबर भी, रवि आर्ट, ओके तो नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो गाइस बीच के जस्ट सामने में खड़ा हुआ था और यहाँ पे मुझे मिली है नारियल पानी की दुकान, और आप देख सकते हो कितना बड़ा नारियल पानी है। और इसका जो चार्जेस है वो भी 50 रुपीज़ है, 50 रुपये में आपको मिल जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपकी जो सिटी है वहाँ पे कितने रुपए का मिलता है। और सामने की तरफ आप देखोगे तो ये है काला पत्थर बीच और जस्ट बीच के आनंद लेते हुए इतना बड़ा नारियल पानी आप पी सकते हैं। एंड काला पत्थर बीच को विजिट करने के बाद आपको सीधा निकल जाना है अंडमान की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस राधानगर बीच के लिए, जो काला पत्थर बीच से ओनली 13 किलोमीटर की दूरी पर है। सो गाइस दिस इज राधानगर बीच, जो पूरे एशिया के टॉप 10 बीचेस में से एक है, एंड आई थिंक यहाँ पर आपको जरूर आना चाहिए। तो दोस्तों राधानगर बीच की साइड में आ चुका हूँ और ये जो बीच है सबसे फेमस है इस पूरे अंडमान का। तो काफी सारे जो लोग हैं वहां पर आपको दिख रहे होंगे और ये रहा इस बीच का पूरा व्यू।
go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. और दोस्तों अब बात करें यहाँ के पानी के कलर की, तो कलर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो पूरा जो यहाँ पे पानी का कलर है, मैं हाथ आपको अंदर की तरफ डाल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरा जो है क्रिस्टल क्लियर वाटर आपको यहाँ पर जो है राधानगर बीच पर मिलने वाला है। तो गाइस थाईलैंड वगैरह सब बेकार है, अगर आप इंडिया को देखना चाहो तो इंडिया बहुत खूबसूरत है। और गाइस आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप यहाँ पर आने के बाद गोवा के सारे बीचेस को भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है सबसे अलग है, सबसे यूनिक है। तो यहाँ पर जो है ज़रूर रहिएगा अपनी फैमिली के साथ। तो दोस्तों अंडमान घूमने का जो सबसे बेस्ट सीज़न है वो होता है नवंबर लास्ट से लेकर फरवरी लास्ट तक, तो टाइम का आप ध्यान रखिएगा। और चलिए अब मैं आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ पूरा राधानगर बीच। और दोस्तों शाम के लगभग 4 बज चुके हैं और धीरे धीरे जो यहाँ पर क्राउड आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये है पूरा राधानगर का बीच, आप देख सकते हो काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं इस पूरे राधानगर के बीच को, और सामने की तरफ वो रही पूरी ग्रीनरी। एंड इसी के साथ अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और ये देखिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ पूरा राधानगर का बीच, ये देखिए वाओ। तो फैमिलीज आई हुई है, फोटोज़ ले रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं और अपनी मेमोरीज बना रहे हैं। और ये देखिए इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वाओ। तो ये है गाइस यहाँ का राधानगर का सनसेट, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड डे 3 में आपको वैसे तो निकलना है नील आइलैंड के लिए, बट रात अभी बाकी है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, रात के बज चुके हैं 3 और भैया जो हमें लेने आ चुके हैं होटल पे। हेलो भैया। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो है हम यहाँ से निकल रहे हैं रात के 3 बजे, कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो आज हमें जाना है नील आइलैंड के लिए, तो उसके लिए जो हमारी फेरी है सुबह 9:30 बजे के आसपास है, बट अभी हम निकल रहे हैं 3 बजे के आसपास, तो वहाँ हम जा रहे हैं और करने वाले हैं कयाकिंग। तो गाइस कयाकिंग क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, और एक भैया जो हमारे साथ में और बैठे हैं। हेलो। तो अभी हम चल रहे हैं कयाकिंग करने, तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, तो आप भी जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करवाता हूँ पूरी कयाकिंग को। और यहाँ रात के 3 बजे सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको कयाक बोट चलाना है और क्या क्या सावधानी रखनी है। और वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये कयाकिंग रात में ही क्यों, क्योंकि सिर्फ अंडमान में ही रात में आपको समुद्र में बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलेंगे, जो एक जुगनू की तरह रात के अंधेरे में चमकते दिखाई देते हैं, जिन्हें आप समुद्र में अपना हाथ डालकर फील कर सकते हैं। और ये एक प्रकार के जीव होते हैं जो उनके शरीर में होने वाली केमिकल रिएक्शन से प्रकाश पैदा करते हैं। और गाइस 4 बजने वाले हैं और धीरे धीरे आप देख सकते हैं उजाला होने वाला है, तो बायोल्यूमिनेसेंस जो होते हैं यहाँ पर दिखना बंद हो जाएंगे आपको 4 बजे के आसपास। और गाइस कयाकिंग के दौरान वो जो आप देख रहे हैं जिनके पीछे रेड लाइट लगी है वो है हमारे गाइड, उन्हीं को जो है सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के पीछे जो है सारे लोगों को चलना है ताकि इतने बड़े समुद्र में जो है कोई भी बंदा मिस ना हो। यहाँ पर जो हमारा एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है, लिटरली भैया सही लग रहा है ना, एकदम ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है आपका अंडमान का, वाओ। तो गाइस हैवलॉक आइलैंड जरूर आइएगा और यहाँ पर जो है बिल्कुल ये कयाकिंग वाली एक्टिविटी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और धीरे धीरे ये कयाकिंग आपको और भी एडवेंचरस लगने लगेगी, क्योंकि इस रात के अंधेरे में आपको मैंग्रोव के पेड़ों के बीच में अपनी बोट को चलाना होता है, जो आई थिंक आपकी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और ये चीज़ आप इस पूरे इंडिया में ओनली अंडमान में ही फील कर सकते हो। और गाइस यहाँ तक हम आ चुके हैं और आप देख सकते हो कि भैया ने हमें टो कर लिया है, बहुत सही एक्सपीरियंस है। वेव्स आएगी या सुनामी आएगा तो वो आइलैंड में इंटर होने से पहले कहाँ किससे फाइट करेगी, वो मैंग्रोव ट्री से, तो क्या होगा उसका पावर कम होगा, फिर वो आइलैंड पे इंटर करेगा तो नुकसान कम होगा। ओके और ये जो अभी एरिया है ये रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में है,
ये आपको पूरे आइलैंड में ये 3 या 4 टाइप के होते हैं। एक वाइट होता है, रेड होता है, ब्लैक होता है, एक वुडन कलर का होता है मैंग्रोव। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 टाइप के देखने मिलेंगे, वुडन और ब्लैक मैंग्रोव। तो मैंग्रोव जो प्लांट होता है ना, ये ऑटोमेटिक ही होता है। आप इसकी वो बीज देख रहे हो, जो हैंगिंग हो रहा है बीन्स के जैसी, ठीक है, वो उसका फ्रूट्स है। वो इस तरह से इसके जब पानी में गिरेगा कुछ टाइम तक ये वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी, फ्लोट करेगा। और समुंदर तो आपको मालूम है कोई भी चीज़ को रखती नहीं है, वो सभी चीज़ को साइड कर देती है। ये वाटर जो फ्लोट होते होते कुछ टाइम क्या, फिर जब इसमें पानी पूरा फ्लप हो जाएगा ना, तो वो भारीपन से पानी के नीचे चला जाएगा, फिर मिट्टी में जाएगा, फिर उसके छोटे छोटे प्लांट्स आएंगे। तो ये किनारे पे है, देखिए इस साइड में आप देख सकते हैं, इस साइड में आपके छोटे छोटे प्लांट्स हैं। और इसकी कुछ जड़ी बूटियाँ भी बनती है, कुछ मेडिसिन भी इसकी बनती है, बट आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है कौन सी मेडिसिन बनती है, बट बनती जरूर है इसकी। ठीक है, और इसे काटना वगैरह तो अलाउ ही नहीं है। और सुबह के 7 बज चुके हैं और नजारा आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल सा नजारा है। और ये रहे वही मैंग्रोव्स के पेड़ जिनके बीच में से हम रात में गए थे, और पीछे की तरफ सारे लोग जो है आ चुके हैं कयाकिंग करके, और भैया को फॉलो कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। तो फॉलो आपको जरूर करना, ये चीज याद रखनी है। तो गाइस भैया हमारे साथ में, भैया कहाँ से हो? हम मुंबई से। मुंबई से, और साथ में भाभी जी भी हमारे हैं। सो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। अमेजिंग। और इसी के साथ आप यहाँ पे स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हो, जो अंडमान की सबसे फेमस एक्टिविटी है, जिसके लिए आपको 5,500 रुपये पर पर्सन देना होंगे। एंड स्कूबा डाइविंग में आप देखोगे रंग बिरंगी मछलियाँ और कोरल्स। एंड अगर आपके पास खुद का अंडर वाटर कैमरा यानी गोप्रो है, तो यहाँ पर आप वीडियो बना सकते हो, या फिर आप कैमरा रेंट से भी ले सकते हो। और वाटर एक्टिविटीज़ करने के बाद आपको अपनी होटल में आकर अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है, और अपना लगेज पैक करके सीधा निकल जाना है हैवलॉक आइलैंड से नील आइलैंड के लिए, जिसकी फेरी टिकट ओनली 1700 रुपये पर पर्सन है, जो मात्र 1 घंटे में आपको नील आइलैंड पहुंचा देगी। और यहाँ नील आइलैंड में आप एक दिन के लिए 3-स्टार या 4-स्टार प्रॉपर्टी ले सकते हो, जो लगभग 3,000 से लेकर 8,000 के बीच मिल जाएगी। और दोस्तों नील आइलैंड में पहुंच चुका हूं, और यहां पर मुझे फिर से मिली है एक लग्जरी प्रॉपर्टी। तो बेड आप देख सकते हो काफी नीट एंड क्लीन है, और बहुत बड़ा बेड है, किंग साइज का बेड है, और लाइट वगैरह जो है बहुत अच्छी यहां पर लगी हुई है। तो ई ट्रिप्टो कंपनी से पूरा पैकेज लिया था। और यहां पर सामने की तरफ एक और चीज दिखाता हूं, ये देखिए, तो शायद आपको नहीं दिखेगा, बट वहाँ पर सामने की तरफ एक प्राइवेट बीच है, मतलब इसी होटल का बीच है, यानी इसी रिजॉर्ट का बीच है। तो आप जो पूरा पैकेज है ले सकते हैं ई ट्रिप्टो कंपनी के थ्रू। ये रहा कॉन्टेक्ट नंबर, जल्दी से अपना टूर प्लान कीजिए अंडमान का। और होटल में अपना लगेज रखकर आपको सीधा निकल जाना है इस नील आइलैंड की ब्यूटीफुल सी टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, और सीधा पहुंच जाना है नेचुरल ब्रिज पर, जहां चट्टानों से बने इस ब्रिज को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये ब्यूटी प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो यहाँ चट्टानों के अंदर लोग मरीन लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, और देखना चाहते हैं यहाँ रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जीव जंतु को। इसके लिए आपको यहाँ पर 200 से 300 रुपए में एक गाइड भी मिल जाएगा, जो इस पूरी जगह की आपको जानकारी दे देगा। तो दोस्तों नेचुरल बीच पर मैं आ चुका हूँ, और यहाँ से जो है आपको बहुत ही प्यारा सा नज़ारा देखने को मिलने वाला है। एक सीनरी यहाँ पर बनी हुई है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे कोरल्स दिखने वाले, मछलियाँ दिखने वाली, स्टार फिशेस दिखने वाली है। और इस पूरी सीनरी के बीचों बीच खड़े रहकर आप बहुत अच्छे अच्छे फोटोज़ क्लिक करा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ पर आना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और नेचुरल ब्रिज के बाद आपको आ जाना है भरतपुर बीच पर, जो नील आइलैंड के सबसे पॉपुलर बीचेस में से एक है, जहां पर आप दिन में 2 से 3 घंटे बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि यहां पर आप कर सकते हो ग्लास बॉटम वॉच जैसी वाटर एक्टिविटीज़, जिसकी टिकट ओनली 800 रुपये पर पर्सन है।
और इस बोट के बीचों बीच बने हुए ग्लास में से आप समुद्री जीवन को बहुत ही अच्छे से अपनी आंखों से देख सकते हो। एंड शाम होते ही आपको आ जाना है लक्ष्मणपुर बीच के सनसेट पॉइंट पर, जहां अंडमान घूमने आए हुए सारे टूरिस्ट आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। और यहां पर जो आप नजारा देख सकते हैं, ब्यूटीफुल से ट्रीज लगे हुए हैं, व्हाइट कलर की सैंड है, और थोड़ा सा कैमरा मैं इधर की तरफ स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पर होने वाला है सनसेट। वाओ, बहुत ही प्यारा सा नजारा है। एंड इस ट्रिप के लास्ट डे में आपको फिर से निकल जाना है पोर्ट ब्लेयर सिटी के लिए, जिसकी फेरी टिकट ओनली 1800 रुपये पर पर्सन है और टाइमिंग स्क्रीन पर है। एंड वहाँ भी आपको पिक करने के लिए एक कार आ जाएगी जो सीधा आपको आपकी होटल में ड्रॉप कर देगी। एंड वहाँ पर भी आपको मिलने वाली है एक 3-स्टार होटल। और वैसे मैं आपको बता दूँ कि पोर्ट ब्लेयर सिटी में मिनिमम होटल का किराया 3000 रुपये पर डे है, जिसमें आप दो लोग रह सकते हो और ब्रेकफास्ट भी आपका इंक्लूड रहेगा। और गाइस, अगर यहाँ पे बात करें लंच और डिनर की, तो यहाँ पर जो एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अंजू कोको, तो वहाँ पर जो है अपना लंच और डिनर ट्राई कर सकते हो। और गाइस, ये जो रेस्टोरेंट है अवेलेबल है पोर्ट ब्लेयर में भी और हैवलॉक आइलैंड में भी, तो दोनों जगह आपको इसकी ब्रांचेस मिलने वाली है, तो बहुत ही टेस्टी फूड है यहाँ का, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नील आइलैंड में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर आप कुछ नया ट्राई कर सकते हो। एंड फाइनली, इस ट्रिप की सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट लोकेशन है चिड़िया टापू पर बना हुआ मुंडा पहाड़, जहाँ लगभग 3 बजे तक आपको पहुँच जाना है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है 20 मिनट का एक एडवेंचर ट्रैक, जहाँ जाने के लिए आप खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। सो गाइस, चिड़िया टापू हम आ चुके हैं और चिड़िया टापू के जस्ट ऊपर की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा मुंडा पहाड़। तो मुंडा पहाड़ का ये पूरा एरिया है, पहले एरिया में आपको दिखाता हूँ, उसके बाद कुछ बात करेंगे ट्रैवलर से। सो ये रहा कुछ एरिया, आप देख सकते हो, वाओ। सो यहाँ पर आप आ सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये जो ब्यूटी है पूरी आपको सीनिक लाइक बाली में देखने को मिलेगी, जो नूसा दे आइलैंड वगैरह होते हैं वहाँ पर आप देख सकते हो, बट इंडिया में भी आप ये चीज़ फील कर सकते हो अंडमान आकर। बट अभी मुझे मिले हैं एक अंकल, बहुत ही प्यारे से हैं। सो अंकल, व्हाट इज योर नेम? माय सेल्फ इज मुकेश एंड आई एम 62 ईयर ओल्ड। आई एम जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम माय बिजनेस एंड नाउ आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ बाय माय ओन वे। आई एम इंटरेस्टेड टू ट्रैवल सोलो एंड आई लाइक टू विजिट isolated places like Andaman Nicobar. Here number of islands are there, you can come over here and you can enjoy the beauty, natural beauty, and you can have a fun over here. Yeah. So guys, जो अंकल है वो यहाँ पे अकेले आए, मैंने इनसे पूछा, मुझे ट्रैक पर मिले थे यहाँ पर चिड़िया टापू के, तो अंकल अकेले आए और इस पूरे अंडमान को एक्सप्लोर कर चुके हैं, राइट? Absolutely. ये लास्ट डे इनका चिड़िया टापू में। Rather, I was more interested in visiting Barren Island, but there is one live volcano, that is the one and only volcano, live volcano in Asia. In Asia? Yeah, but it's too costly. But too costly, yeah? Yeah. 1,50,000 rupees for one-way travel. Travel, okay. Yeah, and to travel from Port Blair to that place is almost 3 hours in a speedboat. तो गाइस वहाँ पर जो है वॉल्केनो आप देख सकते हैं, बट थोड़ी सी कॉस्टली है, थोड़ी सी तो नहीं ज़्यादा कॉस्टली है, बट आप यहाँ पर आकर जो है अंडमान में आकर ये ब्यूटी का आनंद ले सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं इस पूरे मुंडा पहाड़ बीच का एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा, पूरा जो ओशन है ब्लू है। और दोस्तों, ये मुंडा पहाड़ पोर्ट ब्लेयर सिटी का सबसे ऊंचा पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पर एक लाइट हाउस भी बना हुआ है,
जिसका उपयोग जहाजों को सही रास्ता बताने में किया जाता है। एंड सीरियसली गाइस, इतना ब्यूटीफुल आइलैंड, वो भी हमारे इंडिया में, शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। वाओ, लुक एट द व्यू, लुक एट द ब्यूटी। सो गाइस, ये है हमारा इनक्रेडिबल इंडिया। सो लाइफ में एक बार अंडमान जरूर आइएगा, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो दोस्तों, ये था पूरा अंडमान का टूर प्लान। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बट गाइस, इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, वो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट डे आपने वीडियो में देखा मैंने कवर किया हैवलॉक, दूसरे दिन फिर से हैवलॉक, तीसरे दिन नील आइलैंड और चौथे दिन पोर्ट ब्लेयर। बट गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, अंडमान का जो पूरा टूर प्लान है वो होता है 5 nights 6 days का। तो ये है पूरा टूर प्लान। बट अभी आपने देखा कि इसमें 4 days कवर हुए हैं, यानी 4 nights 5 days कवर हुए हैं। बट मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन आप पहुँचोगे, आप जहाँ से भी आ रहे हो, कोलकाता से, दिल्ली से, कहीं से भी आप आ रहे हो, जिस दिन आप पोर्ट ब्लेयर पहुँचोगे, वहाँ पर आपको फर्स्ट डे हैवलॉक ना निकलते हुए आपको सीधा जो है पोर्ट ब्लेयर में स्टे कर लेना है। क्योंकि अगर आप फ्लाइट लोगे, उसके बाद फिर आप फेरी लोगे हैवलॉक के लिए, तो आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। फर्स्ट डे में आपको जो सीधा है पोर्ट ब्लेयर पर रुक जाना है और आपको कवर करना है सेलुलर जेल। तो गाइस, सेलुलर जो जेल है वो बहुत ही एक ऐतिहासिक जगह, जहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे जो है अंडमान आज़ाद हुआ था, कैसे कैसे क्रांतिकारियों ने उसकी जो रक्षा की थी अंडमान की, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में मिलने वाली है सेलुलर जेल में। तो इसकी जो टिकट है वो लगभग 30 रुपये, और शाम को जो यहाँ पर लाइटिंग शो होता है, लाइटिंग शो गाइज बहुत मस्ट, आपको विजिट करना है। वहाँ पर लाइटिंग के थ्रू आपको बताया जाएगा कि क्या क्या यहाँ पर पहले अंडमान में हुआ था, कैसे कैसे हमारे जो भारत के क्रांतिकारी थे उनको यहाँ पर कैद करके रखा था और काला पानी की सजा दी थी। तो ये जो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी सेलुलर जेल में। तो फर्स्ट डे आपको वो कवर करना है पोर्ट ब्लेयर में, उसके बाद फिर से आपका वही टूर प्लान रहेगा। सेकेंड डे आपको हैवलॉक करना है, थर्ड डे आपको अगेन हैवलॉक, फोर्थ डे आपको नील आइलैंड, एंड फिफ्थ डे आपको करना है अगेन पोर्ट ब्लेयर आकर चिड़िया टापू। तो ये था पूरा टूर प्लान, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि इस ओवरऑल पूरी ट्रिप में आपका कितना खर्चा होने वाला है। तो खर्चे अगर आप जोड़ने जाओगे तो आपका बहुत कॉस्टिंग होने वाला है। तो ये रहा नंबर ई ट्रिप्टो कंपनी का, इनके थ्रू जो मैं काफ़ी सारे अपना टूर प्लान कर चुका हूँ, तो आप भी जो अपना टूर प्लान कर सकते हैं ई ट्रिप्टो कंपनी के थ्रू। और बजट की बात करें तो 10,000 रुपये पर पर्सन से लेकर 1,00,000 रुपये पर पर्सन तक आपको मिल जाएगा ई ट्रिप्टो कंपनी के थ्रू। तो बात कीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए और पूरा टूर प्लान कीजिए अंडमान का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।